नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला। और जब हम मुगल कालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हमें लगभग सभी शासकों के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासकों के बारे में हम देखेंगे कि उनके काल में स्थापत्य कला किस प्रकार थी। इसीलिए अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह से आ जाए कि पूरे मुगल स्थापत्य कला को समझाइए तो भी ये वीडियो आपके काम का है। और अगर किसी एक शासक को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाए तब भी आप इस उत्तर से काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ मुगल पीरियड। मुगल काल में स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ। मुगलों की स्थापत्य कला पर भारतीय शैली का प्रभाव है। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं यानी कि इतिहासकार और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका मत है कि मुगल स्थापत्य कला पर भारतीय तथा विदेशी शैलियों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, मुगलों ने देश के भिन्न भिन्न भागों में जो इमारतें बनवाई उनसे उनकी रुचि का पता चलता है। फर्ग्यूसन का मत है कि मुगलों की कला विदेशी है, किंतु हेवेल का मत है कि मुगल कला देसी तथा विदेशी शैलियों का उत्तम मिश्रण है। भारतीय कारीगरों ने विदेशी कला के सिद्धांतों को इस प्रकार परिवर्तित और संशोधित रूप में अपनाया कि भारतीय कला के साथ मिलकर वे देसीय से प्रतीत होते हैं। किंतु निष्पक्ष भाव से देखने पर ज्ञात होता है कि वास्तव में अपनी विशालता के कारण भारत ने किसी एक विशेष शैली को नहीं अपनाया। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया। बाबर के समय में भारतीय कला पर विदेशी कला का प्रभाव पड़ा जो अकबर के समय तक जारी रहा। इसके पश्चात वह भारतीय कला में इस प्रकार घुल मिल गया कि अब उससे पृथक अस्तित्व का पता लगाना भी कठिन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है वो ना केवल पूरी भारतीय है और ना ही वो पूरी विदेशी है। प्रारंभ में जब वे भारत में आए तो उनकी कला में एक विदेशीपन देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे उनके इस विदेशीपन ने देसीपन का स्वरूप ले लिया और इस तरह से मुगल वास्तुकला का भारतीयकरण हो गया। इसके बाद में हम अलग अलग शासकों की वास्तुकला को यहाँ पर जो स्थापत्य कला है उसे देखने का प्रयास करेंगे। बाबर दोस्तों प्रारंभिक रूप में यह संस्थापक था और इसके पास में इतना लंबा समय नहीं था कि स्थापत्य कला में उतना योगदान दे सके। साथ ही ये थोड़ा आलसी किस्म का था, हमेशा नशे में चूर रहता था और युद्धों में उलझा रहता था। इसके चलते यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बाबर का स्थापत्य में ज़्यादा योगदान हमें देखने को नहीं मिलता है। 1526 में ये भारत विजय कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और सिर्फ 1530 में यानी कि 4 वर्ष बाद ही इसका देहांत हो जाता है। बाबर के देहांत के विषय में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि बाबर की मृत्यु ज़्यादा शराब के सेवन से हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार यहाँ पर कुछ अलग कहानी कहते हैं। वे कहते हैं कि एक बार जब हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और मेरे प्राण ले लीजिए। तो उसकी प्रार्थना का असर हुआ और धीरे धीरे हुमायूं ठीक होता गया और बाबर मरता चला गया। खैर यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ा बखेड़ा शुरू किया था धार्मिक रूप में। इन्होंने राम मंदिर जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, राम जन्मभूमि, वैसे तो ये कोई सिग्निफिकेंट यानी कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सिर्फ यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन अयोध्या में उनका जन्म हुआ था तो वह उनका जन्मभूमि क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर एक मंदिर था, राम जन्मभूमि मंदिर, उसे इसने तुड़वा दिया था और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया था। और ये धार्मिक विवाद जो बाबर ने उस समय शुरू किया था ये आज तक चला आ रहा था, जिसे 1991 में जो यहाँ पर विद्रोह होता है यानी कि कुछ लोग उपद्रव करते हैं और बाबरी विध्वंस को तोड़ देते हैं, बाबरी मस्जिद को, और फिर 2019 से राम मंदिर बनना शुरू होता है जो अभी भी लगातार बन रहा है। हालांकि बात कुछ और हम करें तो ग्वालियर के नमूने के आधार पर ही, ग्वालियर के किले से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और उसी आधार पर उसने
आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और अलीगढ़ में इमारतें बनवाने का प्रयास किया, हालांकि वह इसमें असफल रहा। उसकी दो ही इमारतें हमें देखने को मिलती है वर्तमान में, एक तो है पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और दूसरा है रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि बाबर को भारतीय कारीगरों की कृतियों से संतोष नहीं था। उसका विचार था कि भारतीय कला निम्न कोटि की है, इसी कारण उसने भवन निर्माण के लिए कुस्तुनतुनिया से कारीगर बुलाए थे। यहाँ पर हम बात करें हुमायूं कालीन स्थापत्य कला की, तो आपने बाबर को देखा, क्योंकि उसके पास में उतना समय नहीं था और इसी तरह हुमायूं के पास भी इतना समय नहीं था। 1530 में गद्दी पर बैठता है और फिर 1540 में ये हार जाता है शेरशाह सूरी से, फिर 15 वर्ष बाद फिर ये 1555 में गद्दी पर बैठता है और सिर्फ कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके पास भी ज़्यादा लंबा समय नहीं था और इसका जीवन भी संघर्षों में बीता। और इसके ऊपर इसे स्थापत्य कला में कोई रुचि नहीं था, क्योंकि ये अपने पिता की शराब वाली विरासत को आगे बढ़ा रहा था और ये भी एक नंबर का आलसी और शराबी था। यहाँ पर हुमायूं की स्थापत्य कला की बात करें तो वह कला प्रेमी था, किंतु जीवन भर युद्धों में लगा रहा और इधर उधर भटकता रहा, इसलिए उसे इमारतें बनवाने का समय नहीं मिला। उसने एक इमारत जो दीन पनाह महल बनवाया और उसमें दीन पनाह पुस्तकालय बनवाया, उसी की सीढ़ियों से फिसल कर वो मर जाता है। तो यहाँ पर जो दीन पनाह महल उसने बनवाया था वो वास्तुकला के रूप में उतना मजबूत और उतना कलात्मक नहीं था और उतना बेहतरीन ना होने के कारण शेरशाह सूरी ने उसका विध्वंस कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कला प्रेमी तो था लेकिन कला में उसका योगदान नहीं है। हो सकता है उसके पास में इतने साधन नहीं रहे होंगे या फिर हो सकता है कि उसकी रुचि नहीं रही होगी, क्योंकि अगर रुचि होती तो दीन पनाह महल काफ़ी बेहतर होता। हुमायूं ने आगरा तथा फतेहाबाद यानी कि हिसार में दो मस्जिदों का निर्माण करवाया जो कि आज खंडर के रूप में ही हमें नज़र आते हैं। अब इसके बाद में जैसे कि हमने देखा कि 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी रहता है और फिर 1555 तक उसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं। तो यहाँ पर जो शेरशाह सूरी होता है वो अपने कम समय में भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। उसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वास्तुकला में उसका मकबरा है, जो कि उसने जिंदा रहते ही अपने मकबरे का निर्माण कर लिया था और उसका निर्माण उसने सहसराम बिहार में एक झील के बीचों बीच एक कुर्सी नुमा देकर वहाँ पर उसने निर्माण करवाया था। और इस मकबरे की खास बात यह है कि इस मकबरे के बाहरी डिज़ाइन मुस्लिम स्थापत्य कला और आंतरिक डिज़ाइन हिंदू स्थापत्य कला पर स्थापित है और यहाँ पर से ये हिंदू मुस्लिम जो वास्तुकला है उसको मिलाकर एक नई वास्तुकला के निर्माण की परंपरा को जन्म देता है और जिसे अकबर अपनाता है और आगे चलकर इसे मुग़ल आर्किटेक्चर या फिर मुग़ल वास्तुकला कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि शेरशाह ने जो कई बुनियादें रखी जो मुग़ल काल को काफ़ी आगे बढ़ाने में मदद करती है, उनमें ये वास्तुकला भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इतिहासकारों का मत है कि वह तुगलक काल की इमारत को गंभीरता और शाहजहाँ की महान कृति ताजमहल को स्त्रियोचित सौंदर्य के बीच जैसे संपर्क स्थापित करता है। शेरशाह ने पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, हालांकि किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, किला भी इसने बनवाया था, किला तो नहीं रहा लेकिन आज भी वो मस्जिद है, जिससे हमें पता चलता है कि शेरशाह कितना कलात्मक व्यक्ति था और इसके पास अगर समय होता तो ये और ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाता। अब हम इसके बाद में अकबरकालीन स्थापत्य कला को देख लेते हैं, अकबर ने क्या क्या निर्माण करवाया। दोस्तों देखना, कभी भी किसी भी वंश में जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो दूसरा या तीसरा शासक ही महान होता है या फिर वो कुछ बड़ा करता है, क्योंकि पहले और दूसरे शासक को राज्य विस्तार और अपने राज्य को बढ़ाने में समय लग जाता है। एग्जांपल के लिए गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त स्थापना करता है, घटोत्कच भी वही रहता है, लेकिन चंद्रगुप्त जो प्रथम होता है वो अपने साम्राज्य को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि गुप्त वंश को
स्वर्ण युग की दृष्टि से देखा जाने लगता है। मौर्य वंश में भी कुछ ऐसे ही होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार उसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अशोका उस साम्राज्य को महान बना देता है। उसी तरह यहाँ पर बाबर और हुमायूं मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करते हैं, लेकिन अकबर उसे महानता प्रदान करता है। यहाँ पर अकबर के कुछ इमारतों की बात करें तो अबुल फजल उनके बारे में गरियाते हैं कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता और उस अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप दे देता। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों के निर्माण में दिया। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं इनके पापा थे और अपने पापा के मकबरे का काम इन्होंने अपनी सौतेली मम्मी को सौंपा था, और इनकी सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में यह निर्माण हुआ था। जो हाजी बेगम थी वे ईरानी विचारों से प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण करने के लिए एक ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास को बुलाया और उनके देखरेख में इसका निर्माण होता है। इसलिए इस मकबरे में हमें ईरानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और यह मकबरा 1665 में बनकर तैयार हो जाता है। आगरा के किले की बात करें तो आगरा के किले को वो 15 वर्षों में बन पाता है। इसका जो समय काल रहता है 1555 से लेकर 1604 ईस्वी तक रहता है इसका शासनकाल अकबर का। और कहने को तो इसका शासनकाल बहुत लंबा समय आता समझ में आता है, लेकिन इसके पास कम समय रहता है क्योंकि शुरुआत में ये छोटा रहता है और बैरम खां का शासन देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अकबर अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में 15 वर्षों का समय लगाकर आगरा के किले का निर्माण करवाता है, और ये लाल पत्थरों से बनाते हैं, और इस आगरा के किले में 500 से ज़्यादा इमारतें वो बनवाता है। हालांकि शाहजहां इन ज़्यादातर इमारतों को तुड़वाकर उन्हें संगमरमर का बनवा देता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, और इसमें 35 लाख से ज़्यादा खर्च होता है, और इसमें जहांगीर महल और अकबर महल जैसे प्रसिद्ध महल हमें देखने को मिलते हैं। तो जो जहांगीर महल देखने को मिलता है उसमें हिंदू शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। आगरा के किले की खास बात ये भी है कि इसके दो प्रमुख दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा है, जो कि भारत के प्रसिद्ध दरवाजों में से एक है। दरवाजे मतलब कि जो गेट होते हैं ना, किसी भी किले के मेन गेट जो कि बहुत फेमस और बहुत ही डिज़ाइन से बनाए जाते हैं, उनमें से एक है। और इसका और जो ये दरवाज़ा है पश्चिम की ओर है, और दूसरा जो दरवाज़ा है दक्षिण की ओर वो है अमर सिंह दरवाज़ा। तो यहाँ पर दो दरवाजे इस किले में हमें देखने को मिलते हैं। पर्सी ब्राउन इसके विषय में लिखते हैं, मिट्टी गारे की ठोस मोटी भीतरी सतह और कंक्रीट की बनी थी, जिनके बाहरी भाग पर गड़े हुए पत्थर के लोहे के कड़ों से कुशलतापूर्वक जोड़कर रख लगा दिए दिए थे। इन पत्थरों को ठोंकों की दो चिनाइयों के बीच चौड़ी जगह छोड़ दी गई थी, जिनके बीच संकरे पत्थरों की चिनाई कर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। अकबर के काल की सभी इमारतों में बनावट का यही तरीका हमें देखने को मिलता है। जो दिल्ली दरवाज़ा था वो भारत के प्रभावशाली दरवाजों में से एक था। पर्सी ब्राउन इस बात को स्वीकार करते हैं। उसके बाद में इस किले के जहांगीर महल की बात करें तो यह जहांगीर महल नाम से ही समझ में आता है। ये इनके बेटे सलीम, जो कि जहांगीर नाम से उपाधि लेकर शासक बनते हैं, उनके लिए ये बनाया गया था, और इसकी कुल लंबाई 249 फुट और चौड़ाई 260 फुट थी। हालांकि इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, आपको हर शासक की दो चार इम्पोर्टेंट इमारतें याद रखनी हैं, और उनके वास्तुकार और उनकी थोड़ी सी डिज़ाइन के बारे में, सब कुछ आपको याद में नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली इमारत, फतेहपुर सीकरी की इमारत। फतेहपुर सीकरी इसीलिए यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ क्योंकि शेख सलीम चिश्ती यहीं पर से थे, और उनकी जो शेख सलीम थे उनकी आशीर्वाद से ही इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इनका पुत्र हुआ था सलीम, और इनकी जो पत्नी थी हरका बाई। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जो जोधा अकबर फिल्म है, वो फिल्म हिट भी रही, लेकिन उसने एक मिथक और एक झूठ ये फैला दिया कि अकबर की पत्नी का नाम जोधा बाई था। तो जी बिल्कुल नहीं था जोधा बाई, उनका नाम था हरका बाई। जो आमेर के राजा थे भारमल, उनकी पुत्री का नाम था हरका बाई, और उनका विवाह होता है किससे, अकबर से, और इन दोनों का पुत्र होता है सलीम।
और सलीम की जो पत्नी होती है उनका नाम होता है जोधा बाई, ठीक है ना। और जो हरका बाई होती है उसे ही यहाँ पर अकबर मरियम उस जमाने की उपाधि देते हैं, और मरियम की कोठी भी हमें इनके नाम पर देखने को मिलती है फतेहपुर सीकरी में। इसीलिए अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जोधा अकबर की कहानी झूठी है। जोधा नाम की कोई महिला इस समय पर नहीं थी, और जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। तो यहाँ पर वो खुद की बहू से कैसे शादी कर लेंगे, और फिर अगर कर भी लेंगे तो फिर जहांगीर कहाँ से पैदा हुआ। इसीलिए हरका भाई इनकी पत्नी थी, इस बात को ध्यान में रखना। और जो सलीम थे इनके जन्म होने के कारण अकबर इस जगह को काफ़ी ज़्यादा मानने लगा था, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को एक बड़ा शहर बनाया जाए। जो फतेहपुर सीकरी एक छोटा सा गांव था, उन्होंने 15 वर्ष लगाकर इसे इस समय इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक बना दिया था, और इसकी तुलना पेरिस से की जाने लगी थी। यहाँ पर जहांगीर अपने आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे श्रद्धेय पिता ने सीकरी गांव को, जो कि मेरा जन्म स्थान था, अपने लिए सौभाग्यपूर्ण समझकर उसे अपनी राजधानी बना लिया। 14-15 वर्षों में यह जंगली जानवरों से घिरी हुई पहाड़ी, सभी प्रकार के बाग बगीचों, इमारतों और ऊंची शानदार अट्टालिकाओं तथा हृदय को प्रिय लगने वाले महलों से युक्त नगरी बन गई थी। फतेहपुर सीकरी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार और चिकित्सालय, ज्योतिषी की बैठक और पंच महल, शहजादों का मकतब, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, जोधा बाई का महल। यहाँ पर ये जो जोधा बाई है ना, ये जहांगीर की पत्नी है, इसे ध्यान में रखना है। मरियम की कोठी, और ये जो मरियम है ये उनकी पत्नी है हरका बाई। बीरबल की कोठी, शाही अस्तबल, अबुल फजल गृह, हाथीपुल, सराय और हिरन मिरार, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। यहाँ पर एक सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में भी हमें देखने को मिलती है, और एक ये सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। बुलंद दरवाज़ा ज़मीन की सतह से 176 फीट ऊंचा था, और जिस पहाड़ी पर यह बना था उस पहाड़ी की चोटी से 134 फीट ऊंचा था। इसका दक्षिण का आगे का भाग 130 फीट चौड़ा और आगे से पीछे तक की चौड़ाई 123 फीट थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था, और यह फतेहपुर सीकरी की इमारतों में बेहद महत्वपूर्ण हमें लगता है। दोस्तों, इन इमारतों में हिंदू शैली से सर्वाधिक प्रभावित देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी को। तो इसके दो कारण लोग लगाते हैं, पहला तो इसका निर्माण हिंदू कारीगरों ने किया होगा, और दूसरा अकबर की जो धार्मिक सहिष्णु नीति थी। तो अकबर खुद भी, जैसे हम शेरशाह सूरी से ये सीखते हैं कि उसके मकबरे में बाहरी तरफ तो मुस्लिम स्थापत्य था लेकिन आंतरिक रूप में हिंदू स्थापत्य था, तो कुछ ऐसा ही अकबर प्रभाव जमाना चाहता था ताकि वो हिंदू प्रजा को और हिंदू शासकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसलिए वो अपने सभी योजनाओं में सहिष्णुता यानी कि सौहार्द को लेकर चलने वाला व्यक्ति था। कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मंदिर थे जिन्हें तोड़कर मकबरे बना दिए गए, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि मुगल काल और अकबर काल में बहुत सारी इमारतें बनी जहाँ पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पर्टिकुलर इस क्षेत्र की इमारतें हिंदू मंदिर रहे होंगे। इसीलिए जो फतेहपुर सीकरी है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप कभी आगरा जाते हैं और फतेहपुर सीकरी घूमकर नहीं आते हैं तो ये मतलब है कि आप आगरा को जानते ही नहीं। इसलिए आगरा जाइए, फतेहपुर घूमिए और ताजमहल जाइए और आगरा के पेठे खाइए। इसके बाद में हम देखते हैं इतिहास का B.A. स्मिथ लिखते हैं, फतेहपुर सीकरी जैसा निर्माण कार्य न कभी हुआ था और न कभी होगा, यह रोमांच का पाषाण प्रतिरूप है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में फर्ग्यूसन लिखते हैं, सब मिलकर फतेहपुर सीकरी का यह महल पाषाण का एक ऐसा रोमांच है जैसा कि कहीं कम कम और बहुत कम ही मिलते हैं, और यह उस महान व्यक्ति के जिसने इसे बनाया मस्तिष्क की ऐसी प्रतिछाया है जैसे कि अन्य स्रोत से सरलता से उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए फतेहपुर सीकरी अकबर और मुगल स्थापत्य कला का एक ऐसा शहर है जो कि ऐतिहासिक है। जो यहाँ पर मेहराब का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर जो शैली का प्रयोग किया गया, सटी हुई छतों को बनाने की शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और मुख्य रूप से मेहराबी गुम्बदी सजावट के लिए ही किया गया है।
दोस्तों, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें तीरा, ब्रेकेट एवं पटी छतों की हिंदू शैली और मेहराबी गुम्बदी मुसलमान शैली का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में अकबर की अन्य इमारतों को देखते हैं तो अकबर ने लाहौर, इलाहाबाद, अटक तथा अजमेर में भी अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। उसने लाहौर, इलाहाबाद तथा अटक के किलों तथा अजमेर में एक महल का निर्माण करवाता है। इसके साथ ही साथ अजमेर के ख्वाजा की मस्जिद, मेड़ता की मस्जिद और आमेर की मस्जिद भी अकबर के काल में बनाई गई थी। जहांगीर स्थापत्य कला की बात करें तो जहांगीर भी अब पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था और चित्रकला में उसे इतना ज़्यादा रुचि था कि उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे चित्रकला का इतना ज़्यादा शौक है कि मैं बिना चित्रकार का नाम जाने किसी चित्र को देखकर ये बता सकता हूँ कि इस चित्र को बनाया किसने है। तो वो एक ही काम में बहुत ज़्यादा मस्त था और जो बचा कुचा टाइम मिलता था वो नूरजहाँ के साथ चला जाता था, इसलिए उसने वास्तुकला पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेहरुन्निसा अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिनका नाम था ग्यासबैग। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने ग्यासबैग का मकबरा बनाया और यह अपनी तरह का एक ऐसा मकबरा है जो कि भारत के प्रसिद्ध मकबरों में से एक है। पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने ग्यासबैग कह दिया, उनके पिता का नाम एतमाद दौला था, ठीक है, ग्यासबैग कोई और होंगे। एतमाद दौला का मकबरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह मकबरा नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में बनवाया था। यह मकबरा है यमुना के पुल उस पार, यमुना के बाएं किनारे, यमुना के किनारे बना हुआ है। और यह मकबरा कहाँ बना है तो ये आगरा से लगभग 9 किलोमीटर दूर दिल्ली जाने वाली सड़क पर सिकंदरा नामक गांव में बना है और सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा भी हमें देखने को मिलता है। और यह 5 मंजिला इमारत है और स्मिथ यहाँ पर कहते हैं कि यह मकबरा निश्चय ही भारत में अपनी तरह का एक प्रसिद्ध मकबरा था। इस मकबरे में हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई स्थापत्य कला की शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, इसलिए यह मकबरा काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व रखता है। अब हम देखते हैं उनके स्थापत्य कला के बारे में जिन्होंने मुगल साम्राज्य को सर्वाधिक प्रसिद्ध किया और जिस व्यक्ति के दौर को मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है वो थे शाहजहां। तो यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल के निर्माण वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। दोस्तों, मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में अपने अंतिम बच्चे को जन्म देते हुए हो गई थी, लेकिन बुरहानपुर से उन्हें जहाँ पर तुरंत के लिए दफनाया गया था, बाद में शाहजहाँ उन्हें वहाँ से निकलवा कर आगरा ले जाते हैं और आगरा में एक ऐसी इमारत का निर्माण करते हैं जो प्रेम की निशानी बन जाती है और सदियों तक याद रखी जाने वाली होती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक, अब 7 होते हैं 8 होते हैं ये नहीं पता, लेकिन दुनिया के 7-8 अजूबों में से एक ताजमहल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कुछ यूरोपीय इतिहासकार जो कि हर चीज़ में यूरोप का सामान घुसेड़ने को लगे रहते हैं और इन्हें लगता है कि एशिया और अफ्रीका में सिर्फ गधे ही रहते हैं और इन्हें कुछ नहीं आता, ये कहते हैं कि ताजमहल की योजना जिरोनियो बेरिनियो नाम की एक वेनेसियन व्यक्ति ने तैयार की थी। अब यहाँ पर सिंपल से लॉजिक से कोई भी सोच सकता है, जो लोग फतेहपुर सीकरी जैसे शहर को खुद बना सकते हैं जिसकी तुलना पेरिस से की जाती है और कई इतिहासकार उसे रोम से भी ज़्यादा सुंदर मानते हैं, आगरा जैसे शहर बन सकता है, तो यहाँ पर ताजमहल किस चिड़िया का नाम है भाई, वो भी बना ही सकते हैं। इसलिए बाद में जब प्रमाण मिले और कुछ भारतीय इतिहासकारों ने अच्छी खोजबीन की तो पता चला कि उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि शाहजहां के प्रमुख वास्तुकार थे, उन्होंने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी। लगभग 22 साल इसे बनाने में लगा और 50 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं और दीवाने अफरीदी कहते हैं कि 9 करोड़ 16 लाख और ईश्वरी प्रसाद कहते हैं 3 करोड़। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि कितने पैसे खर्च होते हैं, बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या इन्होंने बनवाया था। पर्सी ब्राउन ताजमहल के बारे में कहते हैं, संगमरमर की बारीक खुदाई कर उसमें सुंदर पहलदार झंझरिया बनाकर और हर बेल बूटे को कीमती पत्थरों की जड़ाई से सुसज्जित कर उसने एक ऐसी कलाकृति का निर्माण किया है जिसकी सुंदरता हमें मुग्ध कर देती है। लटके हुए फूलों के बेल बूटे और उसके किनारे कमलिनियों के साथ पतली पतली टहनियों के गुच्छे और अन्य फूल पत्तियाँ
अलग अलग अथवा खुदी हुई पैनलों की बड़ी डिज़ाइन उनकी संगमरी सतह पर बिल्कुल एक सी बनाई गई है। इसकी रचना इतनी बारीक और फिर भी इतनी साफ है कि वो धीरे धीरे परिश्रम पूर्वक की गई कटाई रुखानी की कटाई न लगकर तेज कूची से बनी हुई प्रतीत होती है। ताजमहल के ऊंचे ऊंचे दरवाजों के किनारे पर कुरान की आयतें खुदी हुई है और यह हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर उन्हें देख ये जो ताजमहल है यहाँ पर, इसके बारे में क्या बात करें कि शरद पूर्णिमा सितंबर अक्टूबर की रात्रि में यहाँ पर एक मेला लगता है और चंद्रमा की किरणों से ताजमहल के ऊपरी सतह पर लगे हुए पत्थर मोती जैसे चमकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल के अनुपम सौंदर्य को देखकर लोग रोमांचित हो उठते हैं। एक इतिहासकार का कथन है, यदि संपूर्ण ऐतिहासिक साहित्य नष्ट हो गया होता और केवल ताजमहल शाहजहां के शासनकाल की कथा सुनाने के लिए बचा होता तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उसे विश्व इतिहास का सबसे अधिक वैभव संपन्न युग कहा गया होता, क्योंकि ताजमहल बहुत प्रसिद्ध और इस इमारत को इसका प्रतिनिधि इमारत कह सकते हैं। दीवान खास की बात करें तो दीवान खास का निर्माण शाहजहां ने 1628 में आगरा के किले में करवाया था और यहाँ पर जो दीवान खास है एक प्रकार से इनका दरबार था, क्योंकि हॉल के बीच में एक ऊंची लंबी गैलरी थी जहाँ पर राजा बैठते थे। उनके नीचे एक ऊंचा मंच था जिसमें प्रधानमंत्री बैठता था और उनके नीचे समानांतर कई कुर्सियाँ बनाई गई थी जिनमें इनके सदस्य बैठते थे मंत्रिमंडल के। उसके बाद में मच्छी भवन की बात करें तो मच्छी भवन में बहुत सारी मछलियाँ थी अलग अलग प्रकार की और लोग शिकार करने यहाँ आते थे और अपना मन बहलाने के लिए यहाँ पर आते थे। तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन की बात करें तो इसका निर्माण बेबादल खान, कुछ कहते हैं बादल खान कुछ कहते हैं बेबादल खान, तो यहाँ पर बादल खान आप कह सकते हैं, तो उनके देख रेख में और उनकी कारीगरी में इसका निर्माण हुआ था और इस एक तख्ते ताऊस को बनाने में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया था उस समय पर। और इस सिंहासन में वही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था और फिर जब 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है तो इस तख्ते ताऊस को उठाकर ले जा लेता है और कोहिनूर को भी ले जा लेता है। दीवान खास की बात करें तो दीवान खास आगरा के किले में बना हुआ है और यह प्रसिद्ध संगमरमर की आयताकार इमारत है और दीवान खास का मतलब ये था कि जब शाहजहां शाम शाम को यहाँ पर बैठता था सुकून के लिए और उसे लगता था कि इस समय पर कुछ ज़रूरी बात कर ली जा सकती है तो अपने कुछ करीबी लोगों को बुलाकर यहाँ पर बैठ के किया करता था। इसके बाद में हम शीश महल की बात करें तो यहाँ कांच से बना हुआ महल था। खास महल की बात करें तो खास महल सम्राट और उनकी रानियों के लिए खास तौर पर बनाया गया था। इसके बाद में हम अंगूरी बाग की बात करें तो अंगूरी बाग के निर्माण ये महिलाओं के लिए किया गया था और हरम की महिलाओं के लिए बनवाया गया था और इस बाग की चौथी और एक बड़ा संगमरमर का मंडप था और इसके सामने एक सुंदर बगीचा लगाया गया था। मोती मस्जिद की बात करें तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है और इसका निर्माण 1645 से 1653 ईस्वी के मध्य हुआ था। संत निहाल सिंह इसके विषय में लिखते हैं कि इसकी योजना उन कलाकारों ने बनाई थी जिनमें पत्थर के द्वारा आत्मा के उस संघर्ष को व्यक्त करने की शक्ति थी जो वह भौतिक बंधनों से ऊपर उठने के लिए किया करती हैं। यह ऊंची तथा समतल भूमि पर बनी हुई थी। भीतर संगमरमर का एक विस्तृत चौक है जो चारों ओर उसी पत्थर के बरामदों तथा स्तंभों से घिरा हुआ है। उसके सफ़ेद तथा आकृति के गुम्बद लाल तथा ठोस मुंडेरों के ऊपर उठे हुए हैं और बड़े प्रभाव उत्पादों को ढंग से उस विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शाहजहां की कलाकृतियों में बहुत सुंदर इमारत इसे माना जा सकता है। जामा मस्जिद की बात करें तो एक जामा मस्जिद तो शाहजहां ने दिल्ली में बनवाई थी और एक जामा मस्जिद का निर्माण उसकी बेटी जहां अरब बेगम ने आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने इसे हम देख सकते हैं, यानी कि आगरा में इसने आगरा के किले के सामने बनवाई थी और इसका जो निर्माण था 1648 में हुआ था और सामान्य लोगों के लिए इसका निर्माण किया गया था। दिल्ली के लाल किले की बात करें तो लाल किले का निर्माण यमुना नदी के किनारे कराया गया था दिल्ली में। इसकी चौड़ाई 1600 फीट तथा लंबाई 3200 फीट है।
अन्य किलों की तरह यह भी एक परकोटे से घिरा हुआ है। किले के तीन प्रवेश द्वार हैं। इसका मुख्य द्वार कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके भीतर दरबार ए आम दरबार एक खास का निर्माण है और साथ ही महल में रहने के लिए बहुत सारे महल हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर शाही संग्रहालय, राजकोष कक्ष, राजकीय कक्ष, रसोई गृह, घोड़े हाथियों के अस्तबल, शाही निवास आदि इमारतें हमें देखने को मिलते हैं। इस किले में स्थित मोती महल, हीरा महल, रंग महल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसके एक हॉल की दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो इस लाल किले की भव्यता को दर्शाते हैं। लाल किले के एक हॉल की दीवार पर लिखा हुआ है, गर फिरदौस बर रूमी जमी अस्त हमी अस्त यूँ हमी अस्त यूँ हमी अस्त। इसका मतलब है अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ये बात कश्मीर के लिए दोहराई जाती है, लेकिन उस समय पर इन्होंने दिल्ली के लाल किले को कुछ इस तरह से बना दिया था कि वो लाइनें इस किले पर भी लागू होती थी। इसके अलावा भी उसने दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा के किले में झरोखा दर्शन, मुसम्मन बुज, किले की शाही मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि का निर्माण करवाया था। वास्तुकला के क्षेत्र में शाहजहां मध्यकाल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में गिना जाता है और उसका इतिहास किसी और काम के लिए जाना जाए या न जाना जाए, लेकिन उसकी वास्तुकला के लिए हमेशा ऐतिहासिक रहा है। औरंगजेब कालीन स्थापत्य की बात करें तो औरंगजेब को तो लड़ाई झगड़े करने से पहले फुर्सत थी ही नहीं, और हिंदू मुस्लिम करने से बहुत ज़्यादा इसको टाइम मिलता नहीं था। फिर भी इसने थोड़ा सा टाइम निकालकर दिल्ली के किले में एक मस्जिद बनवाई, साथ ही उसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। और जब इसे लगा कि भाई इसके पिता अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, ताजमहल बना के गए हैं, तो और इनकी पत्नी भी इनसे जिद करती थी कि सीखो अपने पिता से, कुछ बनाओ हमारे लिए, तो इसने अपने बेटे मुअज्जम को आदेश दिया कि बनाओ भाई अपने मम्मी के लिए कुछ। तो इन्होंने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था और शुरुआत में तो ये काफ़ी शानदार लगता था, ताजमहल की हूबहू शक्ल इसे कहा जाता था, लेकिन बाद में समय के साथ साथ असलियत दिखाई दी और ये धीरे धीरे काला पड़ने लगा। अब इसे ताजमहल की बदसूरत शक्ल कहा जाता है। मुगल स्थापत्य की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है मुगल स्थापत्य की विशेषताएं। अगर आपसे दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुगल कालीन स्थापत्य समझाइए, तो आपको अंतिम में विशेषताएं भी लिखनी है, ठीक है, उसे भूलिएगा नहीं। मुगलों के काल में साहित्य तथा कलाओं की बहुत उन्नति हुई, यही नहीं अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया गया, बल्कि कला की एक नई शैली का विकास हुआ जो मध्य एशिया की इस्लामी शैली तथा भारत की हिंदू शैली का मिश्रण थी। इस शैली की उत्पत्ति तथा विकास का श्रेय अकबर को है। अकबर ने सूफी क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता की शक्तियों को प्रोत्साहन दिया। स्थापत्य क्षेत्र में तो उसने दोनों शैलियों को मिलाकर एक नई शैली उत्पन्न कर दी। मध्य एशिया की कला की विशेषताएं थी गुम्बद, ऊंची मीनार, मेहराब तथा डांट। हिंदू शैलियों की विशेषताएं थी चौरस छत, छोटे थम्बे, नुकीले मेहराब, तोड़। इन दोनों शैलियों का एक दूसरे पर प्रभाव सल्तनत युग से ही पड़ने लगा था। मुगल काल में यह प्रक्रिया जारी रही। इनसे मिलकर मुगल काल में जो शैली बनी उसकी मुख्य विशेषताएं थी गोल गुम्बद, ऊंची मीनार, मेहराब, विभिन्न प्रकार के खम्भे, खुले आंगन। इस्लामी शैली में सजावट वर्जित थी, किंतु मुगल शैली इससे बच नहीं सकी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस्लामी वास्तुकला अब हिंदू वास्तुकला के रंग में घुल गई थी और हिंदू और मुस्लिम दोनों वास्तुकला के मिश्रण से मुगल वास्तुकला का जन्म हुआ था। प्रारंभ में भवनों के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था तथा भवनों को बड़ा मजबूत बनाने की प्रवृत्ति थी, किंतु आगे के काल में संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा। भवनों को रंगीन डिजाइन तथा सोने चांदी के पानी और सूक्ष्म प्रकार की नक्काशी से सजाया जाने लगा। जैसे हम ये देखते हैं कि आगरा के किले में अकबर 500 से ज़्यादा इमारतें बनवाते हैं जिससे जो कि लाल पत्थर से बनी होती है, और शाहजहां अपने शासन के दौरान इन इमारतों में से ज़्यादातर को तोड़वा देता है और संगमरमर की बनवाता है, क्योंकि संगमरमर की इमारतों में ठंड भी कम गर्मी कम लगती है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब हम एक बार इन सभी चीज़ों का रिविज़न कर लेते हैं कि हमने इतनी देर में क्या क्या पढ़ा।
पहले क्या होता था कि कोई फिल्म आती थी तो पूरी फिल्म ख़त्म होने के बाद में 2-4 मिनट का पूरा दिखाया जाता था ट्रेलर टाइप में। तो पहले ट्रेलर इसलिए रिलीज़ होता था लास्ट में ताकि आपको ये समझाया जा सके कि आपने इतनी देर में क्या कर रहे हैं। अब ट्रेलर ये बताता है कि आप उतनी देर क्या करोगे, यानी कि तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रेलर है या फिर लास्ट में जो भी कहें कि हम चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज कर सकें। तो इस वीडियो को यहाँ से और ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपने 34 मिनट 34 सेकेंड अब तक क्या किया है। देखिए मुगल कालीन स्थापत्य कला, बाबर की बात करते हैं। बाबर पानीपत के काबुली बाग की विशाल मस्जिद का निर्माण करवाता है। रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। अन्य कार्यों में यह राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण इसके काल में होता है। इसका समय काल जो था 1526 से 1530 था, फिर 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक आता है। हुमायूं दीन पनाह महल ये बनवाता है। इस महल में कला व मजबूती का अभाव था, अपना शेरू भाई इसे तोड़वा देता है और आगरा व फतेहपुर यानी कि फतेहाबाद हिसार में यह दो मस्जिद बनवाता है जो कि अब खंडर बन चुकी है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 इसका समय काल होता है। यह सबसे प्रमुख और एकमात्र इसका जो सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला है वो शेरशाह का मकबरा सहसराम बिहार में एक झील के बीच ऊंची कुर्सी देकर इसका निर्माण होता है। इसकी बाहरी डिज़ाइन पर मुस्लिम शैली का प्रभाव है लेकिन भीतरी भाग में हिंदू शैली की कलाकृतियाँ हमें नज़र आती हैं। दिल्ली में यह एक मस्जिद का निर्माण ही करवाता है, एक किले का निर्माण करवाता है और फिर उसके अंदर एक मस्जिद बनवाता है। तो किला का तो पता नहीं है, किला नज़र नहीं आता है लेकिन मस्जिद नज़र आती है और जो ये दर्शाती है कि शेरशाह सूरी कितनी उच्च कोटि का स्थापत्य के विषय में इसके काल में विचार रखे जाते थे। अब हम अकबर की बात करें तो अकबर आता है 1556 से 1604 और इस हुमायूं का मकबरा ये बनवाता है। सबसे पहले दिल्ली में ईरानी शैली का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है और इसका डिज़ाइनर मीरख मिर्ज़ा ग्यास ईरानी होता है। अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1665 में यह बनकर तैयार होता है। आगरा के किले की बात करें तो 1500 वर्षों में 35 लाख से अधिक लागत से ये आगरा में बनकर तैयार होता है और इसके दो दरवाजे थे। पहला दिल्ली दरवाजा जो कि पश्चिम की ओर था और दूसरा अमर सिंह दरवाजा जो कि दक्षिण की ओर था और लाल पत्थर से इसका निर्माण हुआ था और 500 से ज़्यादा इसकी इमारतें थीं। अकबर महल और जहांगीर महल यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जहांगीर महल की बात करें तो जहांगीर महल में हिंदू वास्तुकला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी की इमारतें देखें तो दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम की कोठी, खास महल, हाथीपुल और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद आदि हमें देखने को मिलती हैं। फतेहपुर सीकरी के विषय में भी ये स्मित लिखते हैं, फतेहपुर सीकरी जैसा निर्माण कार्य न कभी हुआ था और न कभी होगा, यह रोमांस का पाषाण प्रति स्वरूप है। अन्य निर्माण की बात करें तो ख्वाजा की मस्जिद, अजमेर, मेड़ता की मस्जिद और आमेर की मस्जिद अकबर के प्रमुख निर्माण कार्यों में से एक है। अब उसके बाद में उनका लड़का आता है जहांगीर, जो कि चित्र बनाने में और चित्र बनवाने में ही मशगूल रहता है। इनकी पत्नी एतमदौला अपने पिता की याद में एतमदौला का मकबरा सिकंदरा आगरा में बनवाती है और नूरजहाँ इस मकबरे को बनवाती हैं। इसके बाद में शाहजहाँ की बात करें, वैसे नूरजहाँ का जो मूल नाम था वो मेहरुन्निसा था और जहांगीर उन्हें नूरजहाँ कहते हैं और उपाधि देते हैं। शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ का नाम भी कुछ और था, खुर्रम इनका नाम था। जहांगीर इन्हें शाहजहाँ की उपाधि देते हैं जब ये दक्षिण विजय करते हैं। जहांगीर का नाम भी सलीम था और उन्हें अकबर उपाधि देते हैं जहांगीर की। और सली और अकबर का भी पूरा नाम कुछ और था, उसका पूरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके बाद में देखिए ताजमहल ये बनवाता है वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, मुमताज़ महल की याद में 22 साल में ये बन के तैयार होता है। दीवाने आम आगरा के किले में 1628 में बनता है। संगमरमर का प्रयोग यहाँ दरबार लगता था इनका और तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन बेबादल खां की देखरेख में यह बनता है और कोहिनूर हीरा जड़ी सिंहासन लगभग 1 करोड़ की लागत से बनता है। कोहिनूर जब नादिर शाह 1700-1739 में आक्रमण करता है, शाह आलम द्वितीय इस समय पर मुगल सम्राट नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला इस समय पर शासक रहता है जो कि बहुत डरपोक और अयोग्य रहता है,
तो वो यहाँ पर मयूर सिंहासन उठाकर ले जा लेता है। फिर जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और सिख राजा रणजीत सिंह जब अफगान शासन पर राज्य पर आक्रमण करते हैं तो फिर कोहिनूर हीरा भी उनसे छीन लेते हैं। फिर जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह गद्दी पर बैठे होते हैं और बहुत अल्प वयस्क होते हैं तो डलहौजी यहाँ पर रणनीतियाँ रचता है और फिर कोहिनूर हीरा को छीन लेता है और कहता है कि दलीप सिंह ने तो इसे उपहार में दिया है महारानी को, जबकि मैं छोटा बच्चा कैसे अपनी मर्जी से उपहार में दे सकता है। छीन लिए और फिर ले गया इंग्लैंड, तो आज ये इंग्लैंड में देखने को मिलता है। इसके विषय में कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जिस किसी के पास रहा वो बर्बाद हो गया, और इसे सिर्फ महिलाएं पहन सकती है, अगर पुरुष इसे पहनता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। जैसे कि शाहजहां ने इसे पहना तो शाहजहां के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, नादिर शाह ने इसे लेके गया नादिर शाह का पतन हो गया, इसे रणजीत सिंह ने रखा तो रणजीत सिंह का पतन हो गया, उनके बाद में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा। उसके बाद में इसे अब सिर्फ ब्रिटेन की जो महारानी होती है वही पहनती है, महाराजा इसे नहीं पहनते, ऐसे इसके बारे में भ्रम है, अब सच है जो पता नहीं। जामा मस्जिद की बात करें तो यह आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने है और शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा बेगम ने 1648 में जनसाधारण के लिए इसे बनवाया था। एक जामा मस्जिद इन्होंने दिल्ली में बनवाई थी, किसने? शाहजहाँ ने। अन्य इमारतों में मच्छी भवन, दीवाने खास, दीवाने आम खास महल, शीश महल, अंगूरी बाग, मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुज आदि प्रमुख है, और भी बहुत सारी इमारतें शाहजहाँ बनवाते हैं। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब लाहौर में बादशाही मस्जिद, दिल्ली के किले में मस्जिद, बीबी का मकबरा औरंगाबाद आदि बनवाता है। तो यहाँ पर ये सब समाप्त होता है भैया कि इन्होंने क्या क्या बनवाया और इनकी जो वास्तुकला है ये उच्च कोटि थी की थी, और कह सकते हैं कि मुगल कालीन वास्तुकला ने हिंदू शैली और मुस्लिम शैली के संगम से एक नवीन शैली मुस्लिम इस्लाम जो मुगल वास्तुकला का निर्माण किया वो अद्वितीय रही और इसने भारतीय इतिहास को एक नया युग प्रदान करने का काम किया। तो यहाँ पर मुगल कालीन स्थापत्य कला का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मीठे बोल संक्षिप्त और बोलने में आसान हो सकते हैं लेकिन उनकी गूंज सचमुच अनंत होती है, मदर टेरेसा इस बात को कहती है। तो दोस्तों मीठा कम खाइए लेकिन मीठा ज़्यादा बोलिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।